हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश यागा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। और दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 3 का अगला पार्ट करने वाले हैं। दो पार्ट हमने कर लिए हैं चैप्टर नंबर 3 के, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का तीसरा पार्ट, है ना। और आज हम चर्चा करेंगे अनुवांशिक शब्दावली के बारे में। कुछ परिभाषाएं हैं, लगभग 20 परिभाषाएं हैं, जहां से आपको क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस साल भी आपको पूछा जाएगा, आगे जब परीक्षा आएगी ना बोर्ड की, तब आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन दे देगा कि निम्न को परिभाषित कीजिए, तो आपको दो तीन परिभाषाएं दे देगा, दो तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अच्छे से इन परिभाषाओं को समझना है, मैं साथ साथ आपको लिखवाऊंगा, तो इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। कोई भी अगर डाउट रहता है आपको, तो आप निश्चिंत होकर के इस बात को कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। ये ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपके साथ है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और PDF वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर ज्ञान का अड्डा, जिससे कि आपको हमारी PDF वगैरह भी मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ शब्दावली के बारे में, यानी परिभाषाओं के बारे में। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं आनुवंशिक शब्दावली, आनुवंशिक शब्दावली। चलिए, आनुवंशिक शब्दावली। आनुवंशिक शब्दावली, शब्दावली का मतलब होता है परिभाषा। भाई कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी परिभाषाएं हमें पता होना चाहिए, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो सबसे पहले जो परिभाषा आएगी एक नंबर, वो पढ़ने वाले हैं हम जीन के बारे में। किसके बारे में? जीन के बारे में। तो क्वेश्चन आपको क्या देगा? जीन किसे कहते हैं? आपको क्वेश्चन इतना ही मिलेगा, जीन किसे कहते हैं। अब आपको इसके बारे में बताना है भी जीन क्या है। तो समझना, वह कारक, मैं लिखवा रहा हूं आपको साथ साथ में, आप लिख लेना, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, वह जीन कहलाता है, उसे जीन कहते हैं, उसे जीन कहते हैं, उसे जीन कहते हैं। अब समझना, देखिए यहां पर कारक नाम दिया, कारक का मतलब आप यहां पर कोई पदार्थ मान सकते हो। क्या मान सकते हो? कोई पदार्थ है, ठीक है, हमारे शरीर में ऐसा पदार्थ है जो हमारे लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे मैं मेरी बात करूं, तो मैं क्या हूं, मेरी हाइट अच्छी है, 6 फुट हाइट है मेरी, तो मेरी लंबाई को कोई ना कोई तो पदार्थ इसको मतलब नियंत्रित कर रहा होगा, है ना। मेरा रंग है, उसको भी कोई ना कोई पदार्थ नियंत्रित कर रहा होगा, है ना। और मतलब सारे गुणों को, सभी प्रकार के जो लक्षण होते हैं हमारे शरीर में, उन सभी लक्षणों को कोई ना कोई पदार्थ क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल में रखता है, अपने कंट्रोल में, है ना। तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या दिया गया था? कारक नाम दिया गया था, लेकिन इसी कारक का नाम बाद में क्या कर दिया गया था? जीन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? जीन कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि वह पदार्थ या फिर कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, यानी एक जीन केवल एक लक्षण को नियंत्रित करेगा। एक जीन किसको नियंत्रित करेगा? एक लक्षण को नियंत्रित करेगा। कहने का मतलब, जैसे लंबाई की बात करें, तो लंबाई का हमारे शरीर में एक जीन पाया जाएगा। यह नहीं है कि एक जीन सभी लक्षणों को नियंत्रित कर देना, एक जीन एक लक्षण को ही नियंत्रित करेगा, यह बात आपको ध्यान रखनी। इसीलिए मैंने क्या बताया है कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। रहेगी बात याद अच्छे से? बिल्कुल रहेगी। अच्छा, आपको यह भी तो ध्यान रखना है, ये जीन की परिभाषा हो गई। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहले कारक नाम किसने दिया था और अब जीन नाम किसने दिया, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसके बारे में लिखोगे कि मेंडल द्वारा दिए गए कारक शब्द को जोहनसन ने जीन कहा। क्या कहा था? जीन कहा था। यानी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कारक नाम दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल के द्वारा। और इसी कारक शब्द को किसके अंदर बदल दिया? जीन नाम में बदल दिया। किसने बदल दिया? जोहनसन ने बदल दिया। किसने बदल दिया?
जोहनसन ने बदल दिया। तो मेंडल के द्वारा दिए गए कारक शब्द को जोहनसन ने क्या कर दिया था, जीन कह दिया था। इसीलिए मैंने यहां पर कारक बताया है कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे, एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करेगा, यानी ऐसा कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे उस कारक को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और कारक शब्द दिया था मेंडल ने, और उसी कारक शब्द को बदल किसने दिया था, जोहनसन ने बदल करके उस कारक को क्या बोल दिया था, जीन बोल दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, अच्छे से इनको लिख लीजिए, रहेगी बात याद अच्छे से, बिल्कुल रहेगी मुझे पता है। अच्छा, अगली परिभाषा की चर्चा करते हैं, दो नंबर परिभाषा की। बस इतनी इतनी परिभाषाएं, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अगली जो परिभाषा है वो है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी आप हेडिंग लगा सकते हो, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी के बारे में चर्चा करते हैं, युग्म विकल्पी है क्या, ध्यान से समझोगे युग्म विकल्पी के बारे में, युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। देखिए, युग्म विकल्पी की परिभाषा है कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रयासी स्वरूपों को हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के या कारक के, जीन के दो विप्रयासी लक्षणों को, विप्रयासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, मैंने क्या बताया, देखो समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आपको दे देगा युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रयासी लक्षणों को, दो विप्रयासी स्वरूपों को हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। अब समझना, देखो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन है, कोई भी लक्षण हो सकता है, वो लंबाई का हो सकता है, रंग का हो सकता है, आकृति का हो सकता है, कैसा भी लक्षण हो सकता है, और उस लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन होता है उसके आपको कितने स्वरूप मिलेंगे, आपको दो स्वरूप मिलेंगे। और वो स्वरूप कैसे होंगे, विप्रयासी होंगे। क्या होंगे, विप्रयासी। विप्रयासी का मतलब वो दोनों क्या होंगे, दिखने में अलग अलग होंगे लेकिन वो काम एक ही करेंगे। विप्रयासी का मतलब क्या होता है, काम तो एक करना लेकिन दिखने में अलग अलग होना। काम तो एक ही करना है उनका, लेकिन दिखने में क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लक्षण उनका एक ही होता है, उसको बोलते हैं विप्रयासी स्वरूप। तो यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन होता है उसके दो क्या होते हैं, विप्रयासी स्वरूप होते हैं। दिखने में वो दो तरीके से दिखेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, जैसे लंबाई के लिए जीन के दो विप्रयासी स्वरूप। अब हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, लंबाई की कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लंबाई की बात ली है, भी लंबाई एक लक्षण है, इस लक्षण का जो जीन है ना उसके कितने विप्रयासी स्वरूप मिलेंगे, आपको दो मिलेंगे। और कौन कौन सा मिलेगा, एक तो लंबापन का मिलेगा और एक क्या मिलेगा बोनापन का। या तो व्यक्ति क्या होगा, लंबा होगा, या व्यक्ति क्या होगा, मतलब बोना होगा। दो ही तो कारण हो सकते हैं, लंबाई क्या हो सकती है, या तो ऊंचा होगा या क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, है ना। तो या तो ऊंचा है या नीचा है, यही तो बोलते हैं हम, यही बोलते हैं। तो जो लंबाई एक लक्षण था, इस लक्षण का जो जीन था ना, उस जीन के हमने कितने रूप बना दिए, दो रूप बना दिए। एक तो लंबेपन का रूप बना दिया और एक बना दिया बोनेपन का। लंबेपन वाले को बड़े टी से व्यक्त करते हैं और बोनेपन वाले को छोटे टी से व्यक्त करते हैं। तो ये जो टी और टी है ना, ये क्या है, युग्म विकल्पी है। एक ये युग्म विकल्पी हो गया, एक युग्म विकल्पी ये हो गया। दिखने में देखो अलग अलग हैं लेकिन काम इनका एक ही है, लंबाई से संबंधित हैं ये दोनों। लंबाई से संबंधित हैं लेकिन काम इनका क्या है, एक ही है। तो लंबाई एक लक्षण था, इसके लिए हमने जीन लिया, उस जीन के हमने क्या कर दिए, दो स्वरूप कर दिए, दो अलग अलग स्वरूप कर दिए, और उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो एक युग्म विकल्पी ये हो गया और एक युग्म विकल्पी ये हो गया। और उम्मीद कर सकते हो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनको अच्छे से लिख लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं तीन नंबर परिभाषा की। चलिए, आज हमारी परिभाषाएं हो पाएंगी क्योंकि परिभाषाएं कम से कम 20 परिभाषाएं हैं, तो टाइम थोड़ा लगेगा। इसलिए आपको कहना चाहूँगा अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं तीन नंबर। दो मैंने बता दिया, मैंने आपको जीन के बारे में बता दिया, जीन क्या होता है ना,
उसके बाद कारक शब्द किसने दिया था और कारक शब्द को जीन किसने कहा था, ये बात भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो युग्म विकल्पी होता है वो क्या होता है, यानी किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन होता है उसके कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। दिखने में तो वो अलग अलग होते हैं लेकिन काम एक ही करते हैं। वो लंबाई का हमने उदाहरण लिया था, जैसे लंबाई के लिए अगर जीन की बात करें तो लंबाई के लिए जो जीन होता है उसके दो रूप कौन कौन से होते हैं, एक तो लंबेपन का होता है बड़ा टी और एक बोनेपन का होता है छोटा टी। इसका मतलब दो लक्षण हो गए, मतलब लक्षण तो एक ही था लंबाई का लेकिन उसके रूप कितने हो गए, दो हो गए। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। तो युग्म विकल्पी एक तो बड़ा टी हो गया और एक क्या हो गया, छोटा टी। ये हमारे दो युग्म विकल्पी हो गए, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं समयुग्मजी। आप हेडिंग लगाओगे तीन नंबर, समयुग्मजी। समयुग्मजी, समयुग्मजी क्या होता है इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो समयुग्मजी की चर्चा करते हैं। देखिए, यदि यानी जो कोई लक्षण है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, एक समान हो। समझना, इस बात को मैं लिख देता हूं फिर समझ में आएगा। यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हों तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे चर्चा करते हैं। देखो, एक तो टी होता है, ये भी एक युग्म विकल्पी है। एक ये टी होता है, ये भी क्या है, युग्म विकल्पी है। और किसका युग्म विकल्पी है, लंबाई का। ये भी लंबाई का युग्म विकल्पी है और ये भी लंबाई का है। अब इनका हमें क्या बनाना है, समयुग्मजी बनाना है। युग्मजी का मतलब युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो सम का मतलब समान, ये जोड़ा समान युग्म विकल्पी का हो जाएगा और ये जोड़ा भी क्या हो जाएगा, समान युग्म विकल्पी का हो जाएगा। तो यही बात हमने यहां पर लिखी है। देखो कि यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, अब ये एक जीन था, ठीक है, ये एक जीन था पूरा, और एक ये जीन हो गया। ये भी लंबाई को नियंत्रित कर रहा है, तो ये जीन हो गई। तो इन जीन का जो युग्म विकल्पी है, प्रत्येक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई का जीन तो एक मिलेगा लेकिन इसके रूप कितने मिलेंगे आपको, दो मिलेंगे, एक तो बड़ा टी और एक क्या मिलेगा, छोटा टी। अब एक युग्म विकल्पी ये हो गया और एक युग्म विकल्पी ये हो गया। तो ध्यान रखना, प्रत्येक जीन के कितने युग्म विकल्पी मिलेंगे आपको, दो युग्म विकल्पी मिलेंगे। जैसे लंबाई की अगर बात करें तो टी और टी दो युग्म विकल्पी हो गए। अगर इस जीन के ये युग्म विकल्पी हैं, अगर ये दोनों समान अवस्था में हों, अगर ये युग्म विकल्पी समान अवस्था में हों, एक जैसे हों दोनों के दोनों, तो उसको हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं, समयुग्मजी। जैसे देखो, ये एक जीन है, इसके दोनों युग्म विकल्पी क्या हैं, समान हैं। इसके भी दोनों युग्म विकल्पी क्या हैं, समान हैं। इसका मतलब ये क्या हो गए, समयुग्मजी अवस्था में हो गए। कौन सी अवस्था में आ गए, समयुग्मजी अवस्था में हो गए। ये बात आपको याद रखनी है और ये बात आपको याद रहेगी, ये हमारी कौन सी अवस्था है, समयुग्मजी अवस्था है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल अच्छे से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे इनको समझने की कोशिश करो। रहेगी बात याद, बिल्कुल रहेगी। अच्छा, चार नंबर परिभाषा की चर्चा करते हैं। इससे आगे जो परिभाषा है वो है विषमयुग्मजी की, विषमयुग्मजी। अब अगर आपको समयुग्मजी की परिभाषा याद है ना, तो आप विषमयुग्मजी की परिभाषा आराम से याद कर सकते हो। परिभाषा वही रहेगी, समझना। यदि किसी, लिख दो सेम का सेम, यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हों तो उसे विषमयुग्मजी कहा जाता है, विषमयुग्मजी कहा जाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे
एक बड़ा टी आ गया, एक छोटा टी आ गया। देखो ये भी तो क्या है, एक युग्म विकल्पी है, और ये भी क्या है, युग्म विकल्पी। अगर दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हैं, दिखने में अलग अलग हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी अवस्था कहते हैं। ये विषम युग्मजी अवस्था है और ये क्या है, सम युग्मजी अवस्था है। आई होगी बात समझ में अच्छे से, बिल्कुल आ गई होगी कि यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन है उसके अगर दोनों युग्म विकल्पी क्या है, अलग अलग हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, विषम युग्मजी। अगर वो समान है उसे हम क्या कह देंगे, समयुग्मजी कह देंगे। और ये दोनों बातें आपको याद रखनी थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं पांच नंबर परिभाषा की। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पांच नंबर चर्चा करते हैं। पांच नंबर जो हमारी परिभाषा है वो देखना कितनी जबरदस्त। मैं आपको एक एक परिभाषा, एक एक पॉइंट करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वीडियो कितने ही मेरे को देने पड़े, कोई टेंशन नहीं है। बस आपका काम है अच्छे से पढ़ने का, है ना। तो इस चैनल पर आपको इतना कुछ खास मिल रहा है, तो इसका आप फायदा उठाइए, न कि आप इसको मतलब नॉर्मल मत लेना। जब आपके एग्जाम होंगे तब आपको पता चलेगा मैं आपको कैसा कंटेंट दे रहा हूँ और कितना जबरदस्त करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके एग्जाम में सीधे क्यों सुनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, पांच नंबर जो परिभाषा है वो है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। लक्षण प्रारूप क्या होता है। लक्षण प्रारूप होता क्या है, यानी किसी भी कोई भी सजीव है किसी भी सजीव की जो बाहर से जो प्रतीत होता है, जैसा सजीव बाहर से प्रतीत होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझना इस बात को। किसी सजीव की भाया प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप कहते हैं। समझना इस बात को, लक्षण प्रारूप क्या होगा। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता इस प्रकार से, तो आपको इस व्यक्ति को देख के बताना है कि ये कैसा व्यक्ति है, तो लक्षण बताने इसके, तो लक्षण से आपको मतलब इसका लक्षण प्रारूप बताना है। तो लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है, बाहर से जैसा प्रतीत होगा वही क्या है, आपका लक्षण प्रारूप है। भाई ये प्रतीति का मतलब क्या होता है, बाहर से जैसा दिखेगा वही क्या है, भाई ये प्रतीति है। तो आप इसका क्या क्या बता सकते हो, इसकी लंबाई बता सकते हो, इसकी लंबाई कितनी है, इसका रंग बता सकते हो कि नहीं बता सकते, इसकी आकृति बता सकते हो, ये झुककर चलता है या सीधा चलता है, है ना, इसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कान कैसा है, नाक कैसा है, आंख कैसी हैं, है ना, ये सारी जो बातें हैं ना, ये क्या है, हम बाहर से देख के बता सकते हैं भाई ऐसा है ये व्यक्ति, है ना। जैसे इसकी अगर बात करें, आपको कोई बोल दे कि इस पेन का आप बाहर से प्रतीत, ये बाहर से कैसा प्रतीत होता है, इसका लक्षण प्रारूप बताओ, तो इसका लक्षण प्रारूप आप क्या कहोगे कि सर इसके ऊपर एक तो क्या है, ढक्कन है, एक इसके अंदर इस प्रकार की निब है, पीछे ये सफ़ेद रंग का मतलब क्या है, पेन है, आप यही तो कहोगे। लेकिन आपको कह दे कि इसका जीन प्रारूप बताओ, तो जीन प्रारूप होती है इसके अंदर की बात, भी काम कैसे कर रहा है, इसके अंदर कौन सी, इसके अंदर इंक डाली है, उस इंक में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, तो अंदर की जो बात होगी ना वो क्या है, हमारी जीन प्रारूप होता है। और बाहर से जैसे जो व्यक्ति दिखता है, जो कोई वस्तु दिखती है बाहर से, उसको हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप। तो यही बात है सिंपल सी कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। और ये बात आपको याद हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी बाहर से जैसा प्रतीत होगा उसको हम क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप कहेंगे। अच्छा, इसी से संबंधित एक परिभाषा और है, जीन प्रारूप। तो आप हेडिंग लगाओगे जीन प्रारूप, छह नंबर हेडिंग लगाओगे जीन प्रारूप। भाई हमने लक्षण प्रारूप को तो पढ़ लिया, लक्षण प्रारूप होता क्या है, किसी भी सजीव के बाहर से जैसा स्वरूप हमें दिखाई देगा, जैसा रूप हमें दिखाई देगा बाहर से, उसी को हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। लेकिन जीन प्रारूप हम किसे कहेंगे, किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताई है, देखिए ध्यान से,
किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को, आनुवंशिकीय रचना का मतलब होता है मतलब हमारे अंदर की बात, हमारे खून की बात है ना। आनुवंशिकीय रचना का मतलब है कि मान लो मैं मेरी बात करूं, मान लो ये मैं हूं, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरे पापा जी हैं और ये मेरी मम्मी जी हैं, ठीक है, मान लो है ना। तो आनुवंशिकीय रचना का मतलब होता है कि इनके अंदर ऐसा कौन सा गुण था जो मेरे अंदर आ गया, इनके अंदर ऐसा कौन सा गुण था जो मेरे अंदर आ गया है ना। मान लो ऐसा कोई स्वभाव है कि मान लो मेरे पापा जी हैं वो बिल्कुल ठंडे स्वभाव के हैं, मेरी माता जी भी बिल्कुल ठंडे स्वभाव के हैं, तो यही गुण मेरे अंदर आया है, तो ये अंदर की बात हो गई, ये क्या हो गया, हमारे अंदर की बात हो गई, ये आनुवंशिक की रचना हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक की रचना, यानी हमारे गुण स्वभाव कैसा गुण है, है ना, कैसा गुण है, दिखने की बात अलग, अंदर की बात, जैसे मैं अंदर से मतलब हमारा मेरा दिमाग कैसा है, मैं टैलेंटेड हूँ या नहीं हूँ, या मैं मेरा खून है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये सारी जो बातें हैं ना, वो सारी बातें वो आनुवंशिक की रचना कहलाती है। क्या कहलाती हैं, आनुवंशिक की रचना है ना। तो उन आनुवंशिक की रचना को हम क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं, अंदर की बात, जैसे खून की बात होगी, मेरे अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, आप देख के बता दोगे मेरे अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, नहीं बता सकते, आपको चेक करवाना पड़ेगा तभी बता सकते हो। तो अंदर की जो बात होगी, यानी जो आनुवंशिक की जो बात होगी ना, आनुवंशिक की रचना की बात होगी, जो मेरे को मेरे माता पिता से मिली है ना, ऐसी बातें जो आप पता नहीं लगा सकते देख के, उनको आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप बोलते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल परिभाषाएं हैं, मैंने आपको छह परिभाषाएं बता दी। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सात नंबर परिभाषा की। देखो बाबू, ये जो परिभाषाएं हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो यहीं से आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपके एग्जाम में, दसवीं क्लास के एग्जाम में एक नंबर, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, चाहे वो एक नंबर का आए चाहे वो दो नंबर का आए, लेकिन आएगा जरूर। चलिए बात करते हैं सात नंबर परिभाषा की, और सात नंबर परिभाषा अपनी है किसकी, प्रभावी लक्षण की। किसकी है, प्रभावी लक्षण की, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, यानी जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा दे उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी ऐसा लक्षण जो हमारे शरीर में क्या कर दे, प्रभाव दिखा दे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो समझोगे कि वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। तो ध्यान रखोगे, वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है, F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। समझना इस बात को, मान लो एक व्यक्ति है ये, ठीक है, और ये इसकी पत्नी साहिबा हैं, ये इसकी क्या है, पत्नी साहिबा, ठीक है, ये इसकी पत्नी साहिबा हैं। अब इनके एक संतान हो गई, इन दोनों से एक संतान उत्पन्न हो गई। अब ये जो संतान है, इसकी प्रथम पीढ़ी है, क्या है, प्रथम पीढ़ी, ये हमारी जनक पीढ़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी, जो हमारे हमें जन्म देती है उसको जनक पीढ़ी बोलते हैं, और जन्म होने के बाद में जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं संतति पीढ़ी। क्या बोलते हैं, संतति पीढ़ी, है ना, संतति पीढ़ी। अब देखो, ये हमारी पहली पीढ़ी है, भाई इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की शादी होने से ये प्राप्त हुआ, तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी हो गई, पहली पीढ़ी हो गई, ये पहली पीढ़ी, इसके बाद जो और प्राप्त होगी वो दूसरी पीढ़ी, उसके बाद जो प्राप्त होगी वो तीसरी पीढ़ी, इसी प्रकार से, ठीक है। फिर इसकी शादी हो गई, इसकी शादी मान लो इसके साथ हो गई, है ना, इस लड़के की या लड़की की शादी इसके साथ हो गई, तो इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी ना, इन दोनों से संतान उत्पन्न होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, F2 पीढ़ी बोलेंगे। फिर इनकी शादी इसके साथ हो गई, इन दोनों से जो संतान पैदा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, F3 बोलेंगे, है ना, इनसे जो संतान पैदा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, F3। तो इसी प्रकार से पीढ़ी चलती जाती है। तो ये जो पीढ़ी है ना, पहली पीढ़ी, इस पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। मान लो ये पिताजी हैं, और ये पिताजी का रंग क्या है, काला है, पिताजी का रंग क्या है, काला, मतलब थोड़ा सा सांवला रंग है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण कहाँ पर चला गया, इस लड़के में चला गया, ये लक्षण इस लड़के में चला गया, तो ये काले रंग का जो लक्षण हो गया, ये क्या हो गया, प्रभावी हो गया, क्योंकि इसने अपना प्रभाव पहली पीढ़ी में दिखा दिया। जो लक्षण ऐसा लक्षण जो अपना प्रभाव पहली पीढ़ी में दिखा देता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये काला रंग क्या हो गया, प्रभावी हो गया, क्योंकि इसने पहली पीढ़ी में क्या कर दिया, अपना प्रभाव दिखा दिया,
आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा लक्षण जो पहली पीढ़ी में अपना क्या कर दे, प्रभाव दिखा दे या फिर प्रकट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बात आती है अप्रभावी लक्षण की। ऐसा लक्षण जो पहली पीढ़ी में प्रकट न हो उसे हम क्या कह देंगे, अप्रभावी लक्षण कह देंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो ये पिता है, ये माता है, ये थोड़ा सा काला है और ये मम्मी जी क्या हैं, थोड़ी सी गोरी हैं, क्या हैं, गोरी। और इनसे संतान उत्पत्ति हो गई, इनसे ये संतान बन गया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो संतान उत्पन्न हुई है, इस संतान में यहाँ से भी गुण आया है, यहाँ से भी क्या आया है, जीन आया है। यहाँ से भी जीन आया। अब दोनों आपस में काला और गोरा मिलकर के यहाँ पर आए हैं, भी काला भी आया है इसके अंदर और यहाँ पर गोरा भी आया है, लेकिन इसके अंदर प्रकट कौन सा हुआ, काला प्रकट हुआ, लेकिन ये प्रकट नहीं हुआ गोरा। तो इसके अंदर जो गोरा रंग हो गया ना, वो क्या हो गया अप्रभावी, क्योंकि इसने अपना प्रभाव पहली पीढ़ी के अंदर दिखाया नहीं है। अपना प्रभाव किसने दिखाया है, सिर्फ काले रंग ने दिखाया है। अब आए तो दोनों हैं इसके अंदर, ये भी आया है, क्योंकि भाई दोनों से आएगा जिन, तो ये काला रंग भी आया, गोरा रंग भी आया, लेकिन प्रभाव आपका अपना किसने दिखाया, इस काले रंग ने दिखाया। इसका मतलब काला रंग प्रभावी हो गया और गोरा रंग क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, रहेगी बात याद बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल रहेगी, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं 9 नंबर परिभाषा की। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिए, आपका रिप्लाई दिया जाएगा, आपका संकट दूर किया जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है, बस आपका काम है पढ़ने का। लेकिन आप है ना, शेयर नहीं करते वीडियो को, बिल्कुल भी शेयर कर दिया करो। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है फिर भी आप शेयर नहीं करते, देखो कितनी घटिया बात है आपकी ना। अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, जिससे कि वो मतलब अच्छे से वो भी पढ़ सकें, उनको अच्छे से जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। देखिए ध्यान से चर्चा करते हैं 9 नंबर परिभाषा की, और जो 9 नंबर परिभाषा है उसकी चर्चा करेंगे। और 9 नंबर परिभाषा क्या है, एक संकर संकरण की। 9 नंबर में पढ़ना है एक संकर संकरण के बारे में, एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, त्रिसंकर संकरण क्या होता है, बहुसंकर क्या होता है, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। नो डाउट, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहली बात, यानी एक संकर संकरण किसे कहते हैं, यानी ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। समझना इस बात का कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यानी वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। अब संकरण का मतलब होता है यहाँ पर क्रॉस, संकरण का मतलब क्या होता है, क्रॉस। अब क्रॉस क्या होता है, जैसे मान लो कोई ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, इसका जीन और इसका जीन आपस में क्या हो जाए, मिल जाए इस प्रकार से, उसको बोलते हैं संकरण, उसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। तो यानी एक ऐसा संकरण या फिर एक ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। भाई जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, एक ये व्यक्ति है, और इन दोनों में लक्षण तो बहुत सारे हैं भाई, इसकी रंग का भी लक्षण है, लंबाई का भी लक्षण है, बहुत सारे लक्षण हैं इसके अंदर, लेकिन हम क्या करें, ये इसकी संतान है, ये इसकी संतान है, तो हम क्या करें, इन
के सिर्फ एक लक्षण का अध्ययन करें, इसके एक लक्षण का अध्ययन करें, चाहे वो रंग का लक्षण हो। मान लो हमने रंग का लक्षण ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इनका भी रंग देखेंगे और इनका भी रंग देखेंगे। भाई मान लो कोई ये तीन व्यक्ति थे, ये दोनों माता पिता थे, ये क्या था, बच्चा था। अब कोई एक व्यक्ति और आया, एक व्यक्ति और आया इस प्रकार से, इधर से चलता चलता घर पर आया। मान लो मैं हूँ इनके घर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। मान लो ये दोनों क्या है, माता पिता है, और ये दोनों क्या है, ये क्या है, इसका बच्चा है। तो मैं हूँ ये, ठीक है, मैं इनके घर में घुसता हूँ इस प्रकार से, और मैं इनको देखता हूँ कि ये भी गोरी है, ये काला है, और ये भी क्या है, काला है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इनके रंग को देखा, एक ही चीज़ को तो देखा है मैंने, रंग को देखा है। और फिर मान लो इसकी ये पत्नी है, ये इसकी क्या है, पत्नी है इस प्रकार से, ठीक है, और इनके भी एक बच्चा है, इनके भी एक बच्चा है, ये क्या है, गोरा है, ये क्या है, मान लो गोरा है, ठीक है, गोरा। तो मैं इधर से आया, तो मैंने इधर से देखा कि भाई ये दोनों, ये तो काला है, ये गोरी है, इनका जो पुत्र है वो क्या है, काला है, ये फिर गोरी है, इन दोनों का पुत्र गोरा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्षण के बारे में देख रहा हूँ, यानी मैं सिर्फ अध्ययन किसके बारे में कर रहा हूँ, एक लक्षण के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ, और वो लक्षण मैंने किसको लिया है, रंग को लिया है। तो जब एक लक्षण को लेकर के, एक लक्षण को लेकर के अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। आई होगी बात समझ में अच्छे से, बिल्कुल आई, मुझे पता है ये बात आपको अच्छे से, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये बात थी किसकी, एक संकर संकरण की। अब आप द्विसंकर के बारे में बता दोगे, त्रिसंकर के बारे में बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे। द्विसंकर का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें दो लक्षणों का अध्ययन किया जाए। द्विसंकर का मतलब क्या होगा, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण की अगर चर्चा करते हैं, तो द्विसंकर संकरण में अगर हम चर्चा करेंगे, तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कह देंगे। यानी वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए। वही बात है, मान लो दो माता पिता थे, एक पुत्र था, उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था, तो मैं क्या करूं, उनकी लंबाई भी देखूं और उनका रंग भी देखूं, एक साथ में दो चीजें देख रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, द्विसंकर संकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विसंकर संकरण। इसी प्रकार से आपको 11 नंबर ध्यान रखना है त्रिसंकर संकरण के बारे में, किसके बारे में, त्रिसंकर संकरण के बारे में। त्रिसंकर संकरण क्या है, वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगर हम तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे, एक साथ तीन चीज़ों को तीन लक्षणों को देख करके काम करें, या तीन लक्षणों को एक साथ अध्ययन करें, तो उसको हम बोलते हैं त्रिसंकर संकरण। क्या बोलते हैं, त्रिसंकर संकरण। लेकिन आपको ये दो ही काम आने वाले हैं, वैसे परिभाषा तो आपको याद रखनी है क्योंकि आपकी बुक में है ये परिभाषा, लेकिन ये आपको दो ही काम आएंगे क्योंकि आपका चैप्टर इन्हीं दो संकरण के ऊपर आधारित है, ठीक है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। किसके बारे में, नेक्स्ट चर्चा करेंगे बहुसंकर संकरण के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, बहुसंकर संकरण के बारे में। हमारी जो 12 नंबर जो परिभाषा है वो है बहुसंकर संकरण की, किसकी है, बहुसंकर संकरण की। अब हम चर्चा करते हैं बहुसंकर संकरण के बारे में। बहुसंकर संकरण क्या है, बहुसंकर संकरण क्या है कि वह मतलब संकरण जिसमें कई लक्षणों का अध्ययन किया जाए। बहुसंकरण मतलब बहुत, ठीक है। तो 12 नंबर हमारी परिभाषा क्या है, बहुसंकर संकरण। अगर बहुसंकर संकरण की चर्चा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना अच्छे से कि ऐसा संकरण जिसमें कई लक्षणों का अध्ययन किया जाए, ऐसा संकरण जिसमें एक साथ कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन
किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, बहुसंकर संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुसंकर संकरण बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यानी ऐसा संकरण जिसमें एक साथ कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, कई लक्षण एक साथ हम पढ़ लें, कई लक्षणों के बारे में एक साथ अध्ययन कर लें, उसको हम बोलते हैं बहुसंकर संकरण। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आज आपको 12 परिभाषाएं बताई हैं और ये 12 के बारे 12 परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अच्छे से कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब कैसे करोगे, पास में आपको जो लाल रंग का जो बटन दिखाई दे रहा है ना, लाल रंग का बटन, उसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है, तो हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेंगे आप, और बेल आइकन के साथ में पास में घंटी चाहिए, उस घंटी के ऊपर भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, उसके ऊपर मतलब टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, थैंक यू, बाय बाय।